और बाकी मैंने प्लेसमेंट वाइज ये देखा था कि अब जैसे यहाँ पे 700 बच्चे हैं वगैरह क्या सीन रहता है। हेलो 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 भैया तो टीचर्स वगैरह क्या सीन है और अटेंडेंस क्या कुछ कहते हैं कुछ। हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज तुम्हारा भाई आ चुका है सूरजमल, देख सकते हो पीछे है सूरजमल कॉलेज। तो यहाँ का पूरा कैंपस टूर करवाऊंगा और यहाँ के जो बच्चे हैं ना इनका पूरा रिव्यू लूंगा और बताऊंगा भाई कॉलेज कैसा है, कॉलेज में क्या मैनेजमेंट रहने वाली है एंड वट एवर जो भी चीज़ रहती है इस कॉलेज की सूरजमल की। ठीक है तो अभी अंदर एंट्री लेते हैं फिर उसके बाद आपको कॉलेज का पूरा कैंपस टूर करवाते हैं एंड जो भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है तो चलो भाई कॉलेज का अंदर इंटीरियर ठीक है और ये सारी बिल्डिंग ये एडमिन ब्लॉक है इनका बाकी सारी अंदर। अच्छा 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 ठीक है भाई महाराजा सूरजमल जी ये रहे और बाकी पीछे दिखा दूंगा भाई। ये बेइज्जती करने जरूरी है हर जगह तो भाई बाकी एडमिन ब्लॉक है और ये सारे बहुत सारे ब्लॉक है यहाँ इनका ऑडिटोरियम है छात्रावास ठीक है स्टूडेंट्स हॉस्टल ये रहा इनका ठीक है और बाकी तो ये इनका ग्राउंड है खेलने वेलने का भाई काफ़ी बड़ा ग्राउंड काफ़ी बड़ा भी नहीं कहूँगा ठीक ठाक है ठीक है यहाँ खेलने वेलने का सारा सिस्टम है एंड बाकी एरिया आपके सामने बिल्डिंग। तो अभी ऊपर चल के दिखा दूंगा जो जो यहाँ पे कॉलेज में आपको फैसिलिटीज और जो जो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे ठीक है भाई। तो फ्लोर ठीक है और यहाँ पे इनका बॉयज़ कॉमन रूम लेकिन वो अभी बंद पड़ा ठीक है कभी होगा मौका तो वो भी दिखा देंगे। बाकी एरिया इनकी सारी क्लासरूम ठीक है अभी तो क्लास चल रही है इसलिए दिखा नहीं रहा बाहर से देख लो और एसी एसी लगे सब में एक बार अंदर वहाँ दिखा जी की लैब है ये देखो काफ़ी बढ़िया है और एसी एसी सब लगा पड़ा है ठीक है और आपकी जो फर्स्ट ईयर में आओगे ना ईजी की आपकी क्लास यही होगी देख लो यहाँ पे बाकी और सारी क्लासे है और मेरे लेक्चर ब्लॉक ये रहे इनके एंड लेक्चर भाई क्लास चल रही है इसलिए लेक्चर दिखा नहीं रहा कॉमन रूम वहाँ वाला तो बंद पड़ा था यहाँ देख लो इस टाइप का इनका कुछ कॉमन रूम है ठीक है। तो अगर कुछ आपको काम वाम ना हो तो आप यहाँ बैठ सकते हो इनकी लैब ठीक है आप देख सकते हो पावर सिस्टम लैब बाकी बहुत सारी लैब होती है यहाँ पे और यहीं चल रही होती है आपकी लैब वगैरह ये इनके ट्यूटोरियल रूम्स हो गए एंड आपके बैग वगैरह रखने के स्पेस बाहर होते हैं बाकी इलेक्ट्रिक मशीन लैब बहुत सारी लैब होती है जब आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा तो अपने आप देख लेना। ये देखो नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस लैब ये है इनका फोर्थ फ्लोर और यहाँ पे सीएसी का डिपार्टमेंट और फिफ्थ फ्लोर में क्या सीन था भाई फर्स्ट फ्लोर में एसी देन सेकंड थर्ड में किस किस का होता है अल्फाबेटिकल वाइज है एंड भाई बाकी अंदर जो क्लासरूम यहाँ देख सकते हो जैसे अभी सीएसी लैब सीएसी वालों का तो यहाँ पे जावा लैब बाकी ये सारी लैब आपको देखने मिल जाएगी ठीक है बाकी सारा अंदर स्ट्रक्चर तो सेम ही है तो यहाँ पे ट्रिपल ई का डिपार्टमेंट मिल गया एंड ऐसे हर फ्लोर पे इनका ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है ये आपका लैब ब्लॉक हो जाता है सारा यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है ठीक है अंदर बच्चे देख लो काम वाम कर रहे हैं बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे लैब है ठीक है कहा था ना ये पूरा आपका लैब हो जाता है यहाँ पे जितने सारे आपके लैब होते हैं देन उसके बाद ये यहाँ से कनेक्शन हो जाता है यहाँ से एमएसआई वाले बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है एमएसआई जहाँ बीबीए वाले बच्चे होते हैं ना उनके यहाँ से ये कनेक्शन है अब यहाँ से जो बीबीए वाले स्टूडेंट्स है वो उनका अलग डिपार्टमेंट है ठीक है। चलो भाई और ये क्या है ये पूरा एमएसआई है। अच्छा ये बीबीए वाले बच्चे सारे एमबीए वाले भी होते हैं सिर्फ बीबीए एमबीए का अलग बिल्डिंग है पीछे। अच्छा तो ये रहा अंदर थोड़ा स्पेस इन्होंने दे रखा है बाकी आगे और देखते क्या है। अच्छा भाई एमएसआई ठीक है भाई अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उस तरफ है और क्या है हाँ देख के आते भाई उधर ये लेक्चर हॉल है इनके क्लास चल रहे क्लास चल रहा है शुरू में इस टाइप की हो गई ठीक है। एक सीन बहुत बुरा है कि जो बीबी वाली क्लास है ना उसमें सब में एसी है लेकिन जो बीटेक वाले हैं भाई उसमें क्या सीन है उसमें एसी नहीं है एक दो क्लास में इंचुज ऐसी पार्शियलिटी क्यों है भाई हम बीटेक वालों के साथ भाई बहुत बुरा लगता है भाई एसी ने लगा रखा सिर्फ बीबी वालों के लगा रखा एक और क्लास है जो सामने बिल्डिंग है ना छह फ्लोर है पूरी ये है बीटेक की और बीटेक की और ये सारा मैनेजमेंट वालों का और जो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये सारा तुम्हारा मैनेजमेंट का हो जाता है लाइक बीबीए एमबीए का ठीक है और ये वाली बिल्डिंग आपकी एमबीए की होगी भाई ये तो और ऊंची है नहीं नहीं बनी है। अच्छा दोनों छह छह फ्लोर ही होगी पता नहीं कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और भाई सब बहुत ऊंची है इससे भी ऊंची है ये तो बीटेक की है सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में ईसी आईटी ट्रिपल ई सीएसई वगैरह ठीक है और बाकी और आगे देखते हैं। लाइब्रेरी खुली हुई क्लासरूम हो गई ठीक है आप क्लासरूम देख सकते हो इस टाइप का भी क्लासरूम है और भाई एसी तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर दिख जाता है और भाई क्या है कुछ कुछ क्लासरूम्स में एसी लगी है कुछ कुछ क्लासरूम्स में एसी नहीं लगी है तो हर क्लासरूम में एसी वगैरह नहीं है एंड बाकी क्लासरूम आप देख ही सकते हो इस टाइप के हो जाते हैं तो आगे और देखते हैं। कितना ही पुराना कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस का ये डिपार्टमेंट हो गया आपका ऊपर क्या भाई चला देख के आते हैं भाई ऊपर तो ये सारी इनकी स्पेसिंग हो जाती है सामने बीटेक बिल्डिंग थी ना भाई बीटेक वाली कहाँ गई ये रही तुम्हारी बीटेक वाली और मैं नीचे आ चुका और ये तुम्हारी एमबीए और ये जो एमबीए की सॉरी ये बीबीए और ये एमबीए वाली जो नई बन रही है तो ये पूरा कॉलेज के सेंटर वाला आपका पार्ट बन जाता है ठीक है।
और अगर बैठना बैठना है तो आप अपने यहाँ बैठ सकते हो, स्पेसिंग वगैरह दे रखी है। इनका ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम ये रहा फिलहाल के लिए, तो भाई ये है अभी बंद, बट टेंशन मत, तुम्हारे भाई के पास इसके क्लिप पड़ी है, मैं वो दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। एंड आगे जो दिखा रहा हूँ ना वो इनका है बॉयज़ हॉस्टल, और इस साइड है इनका गर्ल्स हॉस्टल। तो एक बार सामने चल के दिखा देते हैं भाई, इनकी एक एरी कैंटीन और दूसरी MBA ब्लॉक में, दूसरी भाई इनके MBA ब्लॉक में, तो भाई को भी नहीं पता कहाँ पे है, तो खाने पीने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। बाकी ठीक ठाक ये कैंटीन, रेट वेट कैसे सही है यहाँ पे, प्राइस वगैरह? भाई प्राइस वगैरह लो ठीक ही रहते हैं ओवरऑल। एक बार हॉस्टल दिखा दो ज़्यादा, ग्राउंड ग्राउंड दिखा देते हो आप लोगों को। ये जो हॉस्टल देख रहे हो ये पूरा, भाई एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये सारा बॉयज हॉस्टल है ये बिल्डिंग। अच्छा, और इसके पीछे की तरफ गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ हमें अभी जाने नहीं रहे हैं। हाँ भाई वो तो चलो कोई वो तो होता ही है, गर्ल्स हॉस्टल में अलाउड नहीं होता। बाकी ये रहा इनका बॉयज हॉस्टल। भाई टाइमिंग वगैरह कुछ पता क्या? 10 बजे तक, रात तक। अच्छा अच्छा, रात के 10 बजे तक इनका टाइमिंग अलाउड होता है। बाकी आप कैंपस के अंदर बाहर भी घूम सकते हो अगर जाना है आसपास जनकपुरी में, तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है खाने पीने घूमने फिरने को। एंड अगर कोई बाहर से भी आ रहा है इसको हॉस्टल नहीं भी चाहिए, तो कॉलेज के बाहर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ फ्लैट्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाकी ग्राउंड वगैरह भाई क्या क्या स्पोर्ट्स चलते हैं यहाँ पे? वहाँ पे भाई फुटबॉल, क्रिकेट, बस। अच्छा, बस यही गेम होता है? तो भाई ये एक एक ही राउंड है ना आपका, ये मेन? तो इनका एक मेन यही ग्राउंड हो गया तो खेलने वगैरह के लिए। और भाई क्लासरूम, जब क्लास चल रहे थे तब तो स्ट्रिक्टनेस होती है थोड़ी बहुत? हाँ, जब क्लास चल रही होती है तब हमें खेलने नहीं दिया जाता है, और ब्रेक के बाद भी अगर कोई ग्राउंड में घूमते रहता है तो टीचर भगा देते हैं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, वो स्कूल वाला सीन है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो बाकी क्या क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा इस कॉलेज में आके? लाइक फर्स्ट ईयर में तुम जैसे सोच रहे थे कि कॉलेज में जाएंगे तो कैसा रहेगा सूरजमल का एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर करो। पहले आने से पहले तो ब्लॉग वगैरह देखा था, तो जैसा एक्सपेक्टेशन था वही मिला। यही है कि स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है कॉलेज, मतलब स्कूल वाली फील आती है, लेकिन ठीक है क्योंकि फैकल्टी वगैरह बहुत सपोर्टिव है। और फैकल्टी खुद ही कहते हैं कि मतलब ज़्यादा किताबी कीड़ा मत बनो, अपने स्किल पे फोकस करो, जितना काम है उतना ही पढ़ो, टॉप करके क्या ही कर लोगे, ये सब। तो फैकल्टी वाइज तो सही है। और भाई जैसे कि नॉर्मली कॉलेजेस में क्या रहता है, जैसे 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, एंड उसमें से ऐसा कोई सीन रहता है कि हफ्ते में आपको इतने दिन कंपलसरी आना छुट्टी ले? नहीं, वैसा नहीं रहता है, हमारे मर्जी पे, लेकिन हमारा सैटरडे चलता है क्लास। अच्छा, सैटरडे चलती है, तो भाई सैटरडे भी यहाँ पे क्लास चल रही होती है। बाकी मोस्टली कॉलेज में देखोगे ना मंडे टू फ्राइडे चलती है, बट इनका सैटरडे भी चलता है। टाइमिंग्स क्या रहती है कॉलेज की? फर्स्ट टाइमिंग हमारा फर्स्ट शिफ्ट का रहता है 8 से 3, और सेकंड शिफ्ट का 10 से 5 रहता है। 10 से 5, तो ठीक है भाई। और बाकी चलो और थोड़ा बहुत बात करते हैं भाई से, थोड़ा और थोड़ा घूम लेते हैं फिर। बाकी ये सब आप देख सकते हो, खेलने वेलने के लिए अपना खेल सकते हो, बस वही है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। बाकी क्लासरूम, जब आपकी क्लास वगैरह नहीं चल रही हो तब तो आराम से कुछ भी कर लो, बट क्लास के बीच में भाई कुछ अलाउड अलाउड नहीं है यहाँ पे। और ये जो आप यहाँ पार्किंग देख रहे हो, सारे टीचरों की पार्किंग है, स्टूडेंट्स की पार्किंग पीछे है। तो ये ऐसे छोटा सा लाइक ग्राउंड बना रखा है। और भाई अगर आप बाहर से आते हो, कोई बाहर वाला स्टूडेंट है, तो भाई उसके लिए एक और चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, आपको बैंक मिल जाता है। ठीक है, उस तरफ है, ठीक है, मैं जा नहीं रहा है, थोड़ी मिट्टी गीली है, तो वो रहा इंडियन बैंक। तो कैश वगैरह निकलवाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना आराम से निकलवा लो यहीं पे। बाकी यहाँ पे एक मैकेनिकल वर्कशॉप है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो उनको मैकेनिकल वर्कशॉप की क्लासेस वगैरह होती है, तो उसमें आपको वेल्डिंग वगैरह करवाई जाती है, तो वो सब आपकी यहाँ चल रही होती है, तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। बाकी ये तो हॉस्टल है ना भाई? ये गर्ल्स हॉस्टल, वो आपका गर्ल्स हॉस्टल है, देख लो। ठीक है, बाकी पास नहीं जा रहा यार, फिर खाम का कोई कुछ बोले। चलो यार, यहाँ ये रहा इनका मैकेनिकल वर्कशॉप, दिखा देते हैं भाई। मैकेनिकल वर्कशॉप अंदर देख सकते हो, बच्चे काम वगैरह कर रहे हैं, तो इस टाइप की आपकी रहने वाली है जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलो यार, मोस्टली सारी चीज़ें मैंने दिखा दी इस कॉलेज में। उधर भी है एक छोटा सा आपका ग्राउंड मिल जाता है, ठीक है, शाम को, या फिर जो हॉस्टल वाले बच्चे, ये रहा आपका गर्ल्स हॉस्टल सामने, ठीक है, देख सकते हो, उस साइड नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्शंस होती है तो बात होती है। एंड बाकी ये रहा आपका बैंक जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, तो एक बार सामने भी दिखा दूँ। तो आपको पैसे वैसे निकलवाने हो, ठीक है, अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली कॉलेज में। और बाकी हॉस्टल का देख सकते हो, सुंदरी बना रखा है। अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे इस कंपैरिजन में होता है कि अगर इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो जैसे अगर 2000 बच्चे हैं तो उनमें से 1000 का प्लेसमेंट लगता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो तो वही। और यहाँ पे जैसे अगर 700 बच्चे हैं तो रिकॉर्ड में दिखाता है कि 800 प्लेसमेंट लगे, मतलब किसी बच्चे को 2-2, 3-3 कंपनी हायर कर लेती है, और 1-2 बच्चा जो रहता है जिसको हायर स्टडीज के लिए जाना है वो छोड़ देता है, नहीं तो टीचर मतलब फैकल्टी हर बच्चे के सर पे बैठ के प्लेसमेंट करवाते हैं जबरदस्ती। तो ये है कि कॉलेज सपोर्टिव होता है बच्चों के मामलों में, चाहे भले प्लेसमेंट की बात कर लो, या तुम क्लास लेने की बात कर लो, या कुछ भी बात कर लो, टीचर बहुत
सपोर्टिव रहता है बच्चों के, मतलब कि हाँ भाई करना है, पढ़ना है, प्लेसमेंट लेनी है, हर चीज़ों में, तो ये आपको बहुत हेल्प मिल जाती है इस कॉलेज में, ठीक है। बाकी सूरजमल की कैंटीन और आपको खाने में क्या क्या आइटम चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, आप ये अपना देख सकते हो, ठीक है। और रेट वगैरह तो नॉर्मल रहते हैं, ऐसे भी नहीं है कुछ ज़्यादा हाई भाई। और यहाँ पे देख लो मोमोज वोमो सब मिल जाएगा आपको कॉलेज में। बाकी भाई जनकपुरी में कॉलेज के बाहर आपको बहुत कुछ खाने पीने वैसे मिल जाता है, ठीक है। कुछ चाहिए तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन मिल जाता है, कुछ प्रिंट आउट वगैरह काम हो तो आप करा सकते हो, ये एंट्री गेट पे आपको मिल जाता है। ये पूरा कैंपस, ठीक है, हमने पूरा आपको अंदर कैंपस विजिट करवा दिया, ठीक है। अब भाई ये जो अपना आयुष भाई है, बात कर लेते हैं कि भाई टीचर्स वगैरह क्या सीन रहता है। हेलो 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 भैया, तो टीचर्स वगैरह क्या सीन है और अटेंडेंस क्या कुछ कहते हैं कुछ, तो क्या एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? देखो भाई यहाँ का फैकल्टियों का कहना है कि यहाँ पे अटेंडेंस इसलिए कंपलसरी की जाती है ताकि अगर मतलब बच्चों को अपने स्किल पे भी काम करना रहता है और टीचर को भी पता है कि बच्चे घर पे जाके पढ़ने वाले हैं नहीं सिलेबस पे, तो यहाँ के फैकल्टी ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारा अटेंडेंस इसलिए कंपलसरी की जाती है क्योंकि अगर तुम क्लास आओ रेगुलर, तुम क्लास लो और क्लास में तुम सुनते रहो ध्यान से बस, तो इसी में तुम्हारा 90% स्कोर हो जाएगा, ऐसा फैकल्टी का कहना है, तभी थोड़ा पीछे पड़ते हैं थोड़ा। बाकी तुम घर पे जाके अपने स्किल पे सिर्फ काम करो, घर पे जाके कॉलेज का काम तुम भूल जाओ, लाइक कोडिंग करो जो तुम्हें करना है, जो भी तुम जिस फील्ड में हो, टेक नॉन टेक, तो फैकल्टियों का ये कहना है, बाकी आपको समझदार हो। और भाई जब जैसे तुम्हारा फर्स्ट ईयर था तो तुमने भी सोचा होगा कि भाई मेट में एडमिशन लूँ या MSIT में एडमिशन लूँ, तो क्या तुमने क्या एक फैक्टर तुम्हें लगा कि भाई मैं MSIT में एडमिशन लेता, तो कुछ इसके लिए क्या रीजन? देखो मेरा रीजन ये था कि स्ट्रिक्टनेस था तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरे लिए अच्छा है स्ट्रिक्टनेस, इसलिए मैंने मोस्टली कॉलेज में आके प्लेसमेंट वाइज ये देखा था कि अब जैसे यहाँ पे 700 बच्चे हैं तो 700 में से मतलब कंपनीज लगभग सबको हायर कर लेती है क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। लाइक ये रहता ना मेट में ना बच्चे बहुत ज्यादा है, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स थोड़ी ज्यादा है, एंड MSIT के इन कंपेरिजन टू मेट वहाँ पे सीट थोड़ी कम है यहाँ पे, तो इसलिए भाई ने यहाँ पे थोड़ा चूज करा। मैंने सोचा कि कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम मिलेगा। ये रहा MSIT कॉलेज का पूरा व्लॉग एंड रिव्यू एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये भाई वहीं का था, ठीक है। एंड भाई बाकी कोई भी डिटेल या कुछ भी चाहिए होगा इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ठीक है। बाकी MSIT के बारे में और कुछ जानना हो तो भाई से DM कर लेना, इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसकी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, स्टूडेंट हैव अ ग्रेट डे।